हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का मेरे इस न्यू व्लॉग में। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के जान ही चुके हैं कि आज हम बनाने वाले हैं पम्पकिन के पत्तों की चटनी। जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोग उसे कोहड़ा बोलते होंगे, कुछ लोग कद्दू बोलते होंगे। सो फाइनली आज हम बनाने वाले हैं उसकी चटनी। मुझे भी लगा जब मेरे सिस्टर ने बोला तो मैंने कहा यार ये तुम क्या खिला रही हो, तो उसने कहा एक बार खा के तो देखो। तो वाकई मैंने खाई तो मुझे बहुत टेस्टी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं उसकी रेसिपी शेयर करूं। तो उसके लिए हमें चाहिए पम्पकिन के न्यूली पत्ते, और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर। और हमने इसमें 2-3 पत्तों को लेके उसे बर्तन में सिर्फ ढक के रख दिया। 3 से 4 मिनट बाद उसे हमने निकालने के बाद पीसना कर दिया चालू। और ये मेरे सिस्टर भी बना रही है, ये एक दिन और बनाई थी तो काफ़ी टेस्टी लगी, तो मैंने सोचा कि ना मैं आप लोग के लिए भी आप ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूं। तो उसके बाद हमने ले लिया इसमें लहसुन और ले लिया है मिर्च। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च इसमें भर भर के डाल सकते हैं, और हमें तो नॉर्मल तीखी चाहिए थी तो हमने भी मिर्च पे डाली है अच्छे से खूब। तो फाइनली इसको अच्छे से पीसने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अभी से कितनी अच्छी लग रही है। और ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरीके से गोल सा करके क्यों रखा है, तो अभी इसका टेस्ट अभी बाकी है अभी इसमें। तो हम इसमें अब ऐड करेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसमें अच्छे से ऐड इसमें सरसों का तेल ऐड करने से इसका जो स्वाद है वो वाकई मतलब जो होता है ना 4 चांद लग जाना वो वाला इसमें टेस्ट आ रहा था। और उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस चटनी को पकौड़ियों के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, बस एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये चटनी फिर आप लोगों ने बनाई तो आप लोग को कैसे लगी। आई नो आप लोग को पसंद आएगी ज़रूर, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।